आज के वीडियो में हम देखेंगे कि एक 1.5 टन के एसी को चलाने के लिए हमें कितने स्क्वायर एमएम की तार की ज़रूरत होती है या फिर हम कितनी मोटी तार डलवाएं एक एसी को चलाने के लिए। आप सब जानते हैं कि ये डाइकिन का एसी है और 1.5 टन इसकी कैपेसिटी है। यहाँ पर मैं आपको इसका स्टिकर दिखाता हूँ। अभी एसी ऑन है, आपको आवाज़ भी आ रही होगी। तो कूलिंग कैपेसिटी आप देख सकते हैं 5220 वाट है इसकी, और जो करंट है अम्पेयर में लिखा हुआ है 7.3 अम्पेयर पे ये मशीन चलती है, और इसका जो करंट इनपुट है वो है 1605 वाट। ठीक है, तो ये एक 1.5 टन का एसी है जिसका ये आउटडोर है और यहाँ पे इसके कनेक्शन हैं। इसके बारे में मैं बाद में बात करूँगा, पहले चलिए अंदर चलते हैं स्टूडियो में। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए, मेरे पास एक स्टेबलाइजर है कैंडिस का और एक है जनवोल्ट का, और ये हमारा टेस्टिंग बोर्ड है जिसपे ये मीटर लगा हुआ है जो हमें काफ़ी वीडियोस में मैंने आपको दिखाया है इससे सारी चीज़ें टेस्ट करके। सो बेसिकली सबसे पहले अगर हम ये जानना चाहते हैं कि कितने स्क्वायर एमएम की वायर हम लगाएं एसी में या फिर कितना, तो उसके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है सबसे पहले कि कितने स्क्वायर एमएम की तार कितना लोड ले सकती है। तो स्क्वायर एमएम की बात करें तो 1.5 स्क्वायर एमएम की आती है, ठीक है, और 2.5 स्क्वायर एमएम की भी आती है केबल, और ये दोनों ही तार 1.5 टन के एसी में यूज़ की जाती हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, ये जनवोल्ट का स्टेबलाइजर है, आप देख सकते हैं दोनों स्टेबलाइजर में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये बहुत ही छोटा है और जो कैंडिस का है वो बहुत ही बड़ा है, लेकिन ये दोनों ही 1.5 टन के लिए सुटेबल हैं। और मैं आपको जनवोल्ट की ये जो स्टेबलाइजर की ये तार है ये दिखाता हूँ, इसके ऊपर जो रीडिंग्स लिखी हुई हैं, ये सुपर स्वास्तिक केबल्स, ये देखिए 1.5 स्क्वायर एमएम की ये केबल है, और ये एक 3-कोर केबल है, यानी कि इसमें 3 वायर हैं। ये जो केबल है ये 1.5 स्क्वायर एमएम की 3 इसके अंदर वायर्स हैं, तो आप समझ सकते हो कि 1.5 स्क्वायर एमएम की वायर से एसी को चलाया जा सकता है। इसीलिए जो स्टेबलाइजर्स हैं उनके अंदर, ज़्यादातर जो स्टेबलाइजर्स हैं उनके अंदर 1.5 स्क्वायर एमएम की ही केबल लगाई जाती है। अब बात करते हैं कैंडिस के इस स्टेबलाइजर की, क्योंकि ये जो स्टेबलाइजर है ये थोड़ा हैवी स्टेबलाइजर है, ये 90 वोल्ट से उठाता है, और इसमें जो ये केबल लगी है इसको भी एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सुपर स्वास्तिक इस वाली में भी था, जी हाँ, तो केबल का जो ब्रांड है वो सेम ही है सुपर स्वास्तिक, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे तो कैंडिस में जो वायर केबल लगाई गई है वो है 2.5 स्क्वायर एमएम की, यानी कि इन्होंने एक हैवी तार यूज़ की है, और ये भी एक 3-कोर की केबल है जिसके अंदर 3 वायर्स आपको मिलती हैं, और इनका जो साइज़ है वो एक का जो साइज़ है वो 2.5 स्क्वायर एमएम है। तो यहाँ पर आप ये समझ लीजिए कि अगर आपको हैवी लोड चलाना है तो आपको हैवी तार चाहिए होती है, अगर लोड कम चलाना है तो आप छोटी तार से भी चला सकते हो, लेकिन 1.5 स्क्वायर एमएम की जो केबल होती है या वायर होती है उस पे हम लगभग 16 अम्पेयर का लोड डाल सकते हैं। ठीक है, इसीलिए ज़्यादातर एसीज में से निकली हुई तारें भी 1.5 स्क्वायर एमएम की ही आपको मिलेंगी। तो यहाँ पर आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए कि 1.5 टन का एसी चलाने के लिए जिसका अम्पेयर 16 से कम रहता है उसको हम 1.5 स्क्वायर एमएम की वायर से या फिर 3-कोर केबल से चला सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पर ये जो मीटर है इसके अंदर हमने कौन सी ये तार लगाई है तो इसको मैं दिखाता हूँ आपको। तो ये जो तार मैंने लगाई है इसमें ये वी गार्ड की तार है, और इसकी जो रेटिंग है यहाँ देखिए आप 2.5 स्क्वायर एमएम इसकी भी रेटिंग है, और ये जो केबल है ये भी 3-कोर की केबल है, ये लिखा हुआ है इस पर 3-कोर 2.5 स्क्वायर एमएम। इस बोर्ड में मैंने जानबूझ के ये तार हैवी लगाई है क्योंकि इससे आप सब जानते हो मैं रॉड्स भी चला लेता हूँ, हीटर भी चला लेता हूँ, और एसी भी टेस्ट किए हैं हमने इस पर, गीज़र भी टेस्ट किए हैं इस पर, तो इसलिए हैवी वायर का इसमें यूज़ किया गया है। और
अब चलते हैं एसी की तरफ जो मैंने आपको पहले दिखाया था। तो उस एसी में मैं आपको दिखाता हूँ बेसिकली। तो यहाँ पर आप सब जानते हैं अगर हम स्प्लिट एसी की बात करें तो एक तार होती है जो इंडोर से आउटडोर को जोड़ती है और एक होती है जो सप्लाई की होती है। ज़्यादातर जो एसी होते हैं उनमें इंडोर से ही सप्लाई मिलती है और जो डाइकिन का एसी होता है इसमें जो सप्लाई है वो पहले आउटडोर में आती है उसके बाद फिर इंडोर में जाता है आउटडोर से कनेक्शन। तो ये जो ब्लैक वाली तार है ये आउटडोर से इंडोर में जा रही है या ये कहो कि इंडोर से आउटडोर में आ रही है, और ये जो वाइट वाली तार है ये हमने MCB से ली हुई है। तो पहले मैं आपको ये दिखाता हूँ जो कंपनी की तरफ से ही तार आती है वो कितने MM की है। डाइकिन अपने AC में डेटन का जो है जो 1600 वॉट का लोड ले रहा है 1.5 square mm की तार यूज़ कर रहा है, लेकिन हमने कौन सी तार इसमें लगा रखी है इसको सप्लाई देने के लिए, तो ये वो तार है। तो यहाँ पर कहीं रीडिंग नहीं है। चलिए दूसरी तरफ से देखते हैं इसको। तो ये यहाँ से चलिए लाइट ऑन कर लेते हैं। तो ये हैं कॉपर के पाइप्स जो रूम में जा रहे हैं और ये वो केबल है जो MCB में जा रही है। तो ये इस तरह से जा रही है, आपको मैं दिखा दूँ बिल्कुल इस तरह से आती हुई ये केबल है और ये MCB बॉक्स में जा रही है। तो ये जो केबल है ये बेसिकली कितने स्क्वायर एमएम की है, तो ये नेशनल कंपनी की केबल है और आप देख सकते हैं कि ये 2.5 square mm की है, 2.5 square mm की ये केबल है और 3 core की ये केबल है। तो आप 1.5 square mm की तार पे इजीली अपने डेटन के एसी को चला सकते हो, लेकिन वही है कि तार की लंबाई अगर ज़्यादा होगी तब आपको 2.5 square mm की तार लगानी चाहिए। और मैं एडवाइज़ यही करूँगा कि आप फॉर अ सेफ्टी 2.5 square mm की तार ही यूज़ करें अपने डेटन के एसी को चलाने के लिए, क्योंकि जो पतली तारें होती हैं वो कई बार गर्म हो जाती हैं। बहुत ज़्यादा लंबे समय के लिए हम एसी चलाएंगे तो वो गर्म हो जाती हैं, उसके बाद फिर शॉर्ट सर्किट हो सकता है, आग लग सकती है। तो ऐसे में बेटर यही है कि हम 2.5 square mm की केबल का यूज़ करें। और इस वीडियो में जो ये आपको दोनों स्टेबलाइज़र दिख रहे हैं, एक ये जनवोल्ट का है और ये कैंडेस का है, तो आप देख सकते हैं दोनों ही डेटन के लिए डिज़ाइंड है, लेकिन इन दोनों के साइज़ में कितना फ़र्क है। तो नेक्स्ट वीडियो में या फिर किसी और वीडियो में कोशिश करूँगा इनको ओपन करके आपको दिखाऊँगा कि इनके अंदर क्या क्या चीज़ें लगी हुई हैं और आपस में वो किस तरह से अलग अलग हैं और इनका साइज़ अलग क्यों है जबकि ये दोनों ही डेटन के लिए डिज़ाइंड है। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलूंगा किसी और वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू दोस्तों।